एकदम लेटेस्ट पाउडर है या लेटेस्ट वाला? नॉर्मली इससे मैं सफाइयां करता हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि आज हम वीडियो के अंदर से नौटंकी करते हैं। रुको रुको जाना मत, मुझे आपको गाइस एक चीज दिखानी है। भाई आप ये चीज देखे एकदम से पूरा हंसने वाले, बस एक सेकंड देना मैं आपके लिए रेडी करता हूँ। यहाँ पर मेरे को पता है कि ये चीज देखे मेरे को बहुत सारे जूते पड़ने वाले हैं, लेकिन मुझे आपको दिखानी है। रेडी हो जाओ गाइस इस दुनिया की सबसे पीसफुल साउंड सुनने के लिए। यार दिल को ठंडक पहुंचती है ना, ये मेरे को पता है। देखो गाइस मेरे हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी साउंड है जो कि मारने वाले को सुख और खाने वाले को दर्द का एहसास दिलाती है। और ये मैं फाइनल बारी बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो ये मैं लगाने वाला हूँ, रस्ते में है। और आपको नहीं, खुद को लगाने वाला हूँ। भाई कब से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, टेबल टूट चुका है, हाथ टूट चुका है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इवन पानी की बोतल खत्म हो चुकी है, पानी पी के इतनी पुरानी हो चुकी है कि इसका लेबल गिर चुका है, बोतल अफोर्ड नहीं कर पा रहा भाई मैं। और अभी आपको दिखाता हूँ अपनी जेब की खिड़की, तो अगर मैं इस जेब के अंदर हाथ मार के और एक बार फिर से ब्रोस आपका स्वागत है अपनी स्टिबडी स्टिबडी डॉप 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 की सीरीज के अंदर। लेट्स गो। तो गाइस लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपने देखा कि कैसे हमारे रेड टाइटन ने और एट द सेम टाइम हमारे दूसरे वाले कैमरामैन वाले टाइटन ने कैसे आपस में वॉर किया, और वॉर करते 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 हमारे कैमरामैन के टाइटन ने कैसे रेड वाले टाइटन की बैंड बजा के प्लंजर मैन को मार दिया। यार अरे मैं तो भूल ही गया था कि इस वाले बंदे ने प्लंजर मैन को मार दिया था लास्ट वाली वीडियो में। इसकी वजह से मेरा फेवरेट बंदा प्लंजर मैन मर गया। क्यों किया ये तूने मेरे साथ ऐसा? सॉरी, दूर से मेरे को खिड़की में से नेबर देख रहा है, सोच रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। बट मैंने बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी और मैंने देखा कि अपने सारे बिच्छू गैंग की टीम जो है बोल रही है कि चलो ऑब्वियसली ये बंदा हैक हो चुका था, तो इसको पता नहीं था कि इसने क्या गलती कर दिया, तो हम इसको फिलहाल माफ कर देते हैं। तो ये बंदा एकदम से अपनी टीम के अंदर फिर से आ चुका है। अभी नखरे मत करिए नूबड़े, बैठ जा, तेरे को मैं शाही कुर्सी दे रहा हूँ माइक्रोफोन के ऊपर वाली। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर गाइस हमने देखा कि ये वाला बंदा और हमारा जायंट टाइटन कैमरामैन, आई थिंक वो जायंट टाइटन कैमरामैन ही था, तो इस वाले बंदे के अंदर और हमारे जायंट टाइटन कैमरामैन वाले बंदे के अंदर एकदम से खतरनाक वाला वॉर हुआ। और वॉर के दौरान एकदम से टीवी मैन ने इसके ऊपर टीपी करके इसके अंदर जो वायरस छुपा था वो निकाल दिया, और वायरस निकलते ही गाइस ये बंदा एकदम से लेवल पे आ चुका है, अपनी टीम में वापस आ चुका है। और अभी इन दोनों टाइटन्स ने हाथ मिला के रखा हुआ है, मतलब कि हमारी आर्मी एकदम से स्ट्रांग हो चुकी है। ओके तो ये था हमारी लास्ट वाली वीडियो का एकदम से फाइनल पार्ट, और अभी आता है पार्ट नंबर 60। ओके कैमरामैन फिर से ऊपर से देख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम कर देता हूं। अरे यार ये मैग्नेटिक वाला अभी भी जिंदा है, और आई बिलीव ये बंदा इनका बॉस होगा। ये कौन सी टटियों वाली भाषा में बात कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा। पूरी कथा सुना दी, ये बोल रहा है ब्रो लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू, ओह माय गॉड, इन लोगों ने अपने बॉस को मार दिया। दू टॉयलेट भाई, बगावत हो चुकी है इन दोनों के बीच में। होली क्रप, अबे तू थैंक यू कर दद्दू टॉयलेट का। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बाप बेटे हो सकते हैं। मेरी तरफ कोई देख रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अरे उसने कैमरामैन को देख लिया। ओ माय गॉड, अपनी टीम का बंदा ब्रोस घायल हो चुका है, और टीवी मैन ने पूरा लाइव टेलीकास्ट कर दिया। ले ओ माय गॉड भाई सब कुछ, ओ तेरी, yeah, now it's gonna be a big war। भाई टीवी मैन लाइव स्ट्रीम कर रहा है, वो भी ऑडियंस के सामने। लेकिन यार यहाँ पर एकदम से प्लॉट ट्विस्ट हो चुका था भाई। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि इनका बॉस जाने वाला है, मतलब कि ये लोग आपस में बगावत करने वाले हैं। इनसाइड वॉर अभी होने वाला भाई। आई थिंक गाइस ये जो अपनी शरीफ वाली टीम है ना, कैमरामैन की टीम, द गुड गाइस, ये दो बंदों को अपने साइड में कर लेंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ओके एक बार फिर से, अरे वो वही कैमरामैन है जो लास्ट वाली वीडियो के अंदर आई बिलीव डैमेज हुआ होगा। उन्होंने भाग कर निकलने की कोशिश की, ये देखो भाग के जा रहा है अपने फैक्ट्री के अंदर अपने। भाई डरा दिए इसने मेरे को भाई, फुल ऑन वॉर चल रहा है भाई साहब। क्या बंदूक है इसके पास? कैमरा वुमन, आई मीन नॉट कैमरा वुमन, स्पीकर वुमन। वेट व्हाट, वाई व्हाट, एपिक, लेट्स गो।
और इनके पास सैटेलाइट्स भी हैं। अरे ये देखो अपने स्पीकर मैन भी आ चुके हैं। नाइस यार, मुझे इस लेडी की एक चीज पसंद आई, इसका वेपन इसका बेस है। ओके तो यहाँ पर अपने लेडी जी को मिसाइल पढ़ने वाली थी, लेकिन इसने क्या यूज किया, अपना बेस। तो ये मिसाइल आई और जैसे ही मिसाइल पढ़ने वाली थी ना, आंटी जी ने बेस चला दिया और बेस की जो वेव्स निकलती है ना, उस वेव से मिसाइल वापस एनिमी के ऊपर चली गई। बेस ये कोई सेंस बन रहा है इस बात का? नहीं, ये कोई भैंस की, ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? फॉर एग्जांपल अगर मेरी मम्मी मुझसे पूछते कि भाई चपाती बेटे ये शिबरी टॉयलेट के ऊपर जो वीडियोस बना रहा है, मतलब क्या है इसका, तो मैं क्या बोलूंगा कि मिसाइल आई वहां से बेस फटा और मिसाइल वापस पीछे चली गई। साउथ इंडियन मूवीज ऐसे ही बदनाम हो रही है। ये देखो ये अभी इसकी रिपेयरिंग चल रही है, एंड लेट्स गो। बंदा एकदम से फिक्स हो चुका है, लेट्स गो भाई साहब। अरे यार टेक्नोलॉजी इनके पास एकदम खतरनाक वाली है। ओके अभी इन लोगों ने एक टॉयलेट पकड़ा हुआ है और मारा कैसे, बेस मार के। हाँ भाई मेरे को भी समझ में आ रही है कि तू क्या कर रहा है। ओके तेरी यार, ये पिद्दी वालों से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी आर्मी खत्म हो चुकी है भाई, तुम लोग वॉर छोड़ के भाग जाओ। ये क्या पात मार के आ रहे हो तुम लोग, छोटे मोटे मच्छरों से कुछ। भाई दद्दू को बेस पसंद है, अबे हेडफोन पहन ले भाई, उसके बेस के सामने तो टिक नहीं पाएगा भाई। पागल हो चुकी है यार वो तो, लिटरली जो चीज हिल रही है उसको ही ठोक रहे हैं भाई साहब। भाई खतरनाक है यार ये लोग तो। भाई ये वॉर एकदम से पूरा खतरनाक होने वाला है। आई थिंक दिस सीरीज इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाली है, क्योंकि उनके पास भी खतरनाक टीम आ चुकी है और हमारे लॉन्डो के पास तो खतरनाक टीम ऑलरेडी है। और ऑलराइट अभी आ चुका था नेक्स्ट एपिसोड, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि शिबरी टॉयलेट की पूरी आर्मी ने अपने कैमरामैन के जो सीक्रेट डिफेंसिव जो फैक्ट्री थी ना, जहाँ पर अपनी रिपेयरिंग वगैरह करते थे, वहाँ पर पूरा हमला करके रखा हुआ। लेकिन अपने कैमरामैन भी एकदम से कम नहीं है, उन्होंने भी एकदम से डिफेंसिव पोजीशंस लेकर रखी हुई हैं। भाई भास्कर भाई कितना जालिम बंदा है, उसका पूरा मुंह ही निकाल दिया। और भाई इसकी इनके पास फ्रीजिंग वाली गन है और चाकू लोड कर। अच्छा आपकी बारी लोड नहीं कर रहे, आपकी बारी हाथ से मारने हैं। तो लास्ट बारी क्या ड्रामे कर रहे थे तुम लोग, बेस से चाकू मार रहे हैं। अच्छा चलो उनको मारते हैं गोली। गाइस इनके पास वैसे जुगाड़ एकदम ओपी लेवल का नहीं है। ओए लग जाएगी ओए, ले मामा वहां पर तीन बंदे बैठे हुए थे, तीन बंदे मर गए तेरी वजह से। क्या हो रहा है? हाँ ये भी पूछ रहा है क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अरे ना तो सोनिक वाला बंदा, सोनिक वाला बंदा तो मर चुका था और दूसरा वो उनकी टीम में था। अरे भाई, अरे अपना प्लेंजर मैन जिंदा है, ओ माय गॉड, ये वही है ना। हाँ पता नहीं कौन सा जेस्चर दे रहा है ये मेरे को, आई थिंक ये ब्रोस अपना प्लेंजर मैन ही है। भाई साहब क्या बेस मारा, और ये बंदा भी एकदम से घायल हो चुका है। अरे यार ये अंधे लेवल का बॉम्ब फेंक रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्स लेके आया वो। और ये देखो भाई अपनी बैकअप आर्मी आ चुकी है यहाँ पर। भाई क्या आर्मी इनके पास, भाई मेरे को इस पूरे एपिसोड से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही बात जाननी है कि क्या वो बंदा अपना लेजेंडरी प्लंजर मैन था कि नहीं। आई थिंक अपना प्लंजर मैन फिक्स हो चुका है और उसके पास खतरनाक वाली गाड़ी भी आ चुकी है जो कि एकदम लाइटनिंग स्पीड पे जाती है ए से बी तक। प्लीज बता दो कि प्लंजर मैन जिंदा। यार ब्रोज ये वाला एपिसोड ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मेन है, यहाँ पर मेरे को पता लगने वाला है कि अपना प्लंजर मैन जिंदा कि नहीं जिंदा। भाई साहब क्या गाड़ियों में से रस चूस रहे हैं भाई, आप बोल ले लेट्स गो। बहुत तुम लोगों को जुल्म हम लोगों ने सह लिया भाई, पूरी सिटी तबाह कर दी तुम लोगों ने, अब बोलिया देखो नमूना मिसल मारेगा तू। तेरे को पता ना हमारे पास शील्ड है और हमारे पास दो टाइटन है, तेरे को तो चक्के मारेगा। इसकी टोपी अच्छा फ्लश कर दिया यार, टोपी निकाल के मार रहा था इसको। अच्छा उसके अंदर बॉम है, अरे नहीं नहीं हार, लेट्स गो
भाई हमारे खतरनाक वाले बंदे को कुछ नहीं हो सकता, अपना बॉम्ब भी दिखाओ ना। तुम्हारे पास नॉर्मल बॉम्ब है? अच्छा वो उंगली में से बॉम्ब निकाल रहे हैं। अगर उसने मोटी वाली बंदूकें चला दी ना तो कोई बचने वाला नहीं है, उंगली के अंदर इतनी पावर है उसके। बट एनीवेज अब ये फिर से दोनों टाइटन जो है उड़ के कहीं और जा चुकी हैं, इन्होंने लगता कुछ ना कुछ तो देखा। और ये वाला एपिसोड गाइस बहुत ज्यादा लंबा यार, दिल थाम के बैठ जाओ। ओ माय गॉड, ये कौन है? पुलिस वाला स्किबिडी वे वॉच। भाई साहब इनके पास भी क्या आर्मी है यार, ये सारी फसाद की जड़ ना दद्दू टॉयलेट है। मेरे को याद है वो खतरनाक वाला वायरस भी ना दद्दू टॉयलेट पे बनाकर रखा हुआ था। और ये देखो इनका मेन बॉस ये दद्दू टॉयलेट। अरे अपनी जाबाज टीम भी आ चुकी है मैन, अभी हो चुका है टोटल वॉर। देख तेरी टीम तो पहली बात ही भाग चुकी है। ओके लेट्स गो। इनका दद्दू के पास कितनी पावर है देखा, तेरे को दद्दू भी छोड़कर चला गया। तेरे को पता था ना तू गलत टीम में है भाई, मत मार उनको, अपनी टीम में आ जा। इसको तो चक चक के मारना ब्रोस, इसने बहुत बहुत जुल्म किया अपने सिटी के ऊपर। लेकिन ये भी बंदा बहुत पावरफुल है यार, इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। फ्लैश करते दुबड़े के, फ्लैश चलता भी नहीं है ये। बड़े बंदे ने हागा होगा ना इसी को, तो इसके लिए जब बड़ी हकती है तो तीन चार बारी फ्लश मारना पड़ता है, और फ्लश की जगह वो ऐसे पंप भी मारना पड़ता है। भाई चल रहा है यहाँ पर भी, कम ऑन वैसे बंदा बहुत पावरफुल है यार। दो टाइटन भी उसको मार नहीं पा रहे, उसकी आंखें निकाल दी उसने। लेट्स गो, नेदर वाली आग से कौन बच सकता है ब्रोस, कम ऑन देन। अभी बोल के दिखा ना तू, बन गया ना हलवा दे रहा यहीं पे। अच्छा अंदर एक और बंदा छुपा हुआ है, वो निकल 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 निकल। ओ माय गॉड, आपने नोटिस किया इसके अंदर क्या था? मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बट एनीवेज यहाँ पर शील्ड के अंदर छुपा हुआ है अपना दूसरे वाला टाइटन। अरे यार ये बंदा बहुत ज्यादा इंजर हो चुका है यार, तू प्लीज लड़ाई मत कर, अभी अपने आप को रिपेयर कर ले ब्रो, मैं नहीं चाहता कि तू मरे। हाँ मैंने लाइक कर दिया, बाकी बंदे भी। अब इसका क्या मतलब है यार? देखो यार मेरे को सस्पेंस पसंद नहीं है यार, पहले तुम लोगों ने प्लंजर मैन को मारा फिर जिंदा कर दिया, और अभी जो मेरा फेवरेट बंदा बनने वाला था अब ये मरने वाला है। बट एनीवेज ब्रोस मुझे आपको चीज दिखानी है, ये देख रहे हो ये वाला बंदा पहले एपिसोड में था, पहले एपिसोड में ये देखो ये वही बंदा है ये। ओ माय गॉड, लेकिन ब्रो सभी मेरे को ये मतलब समझ भी नहीं आ रहा कि ये उल्टा ठेंगा क्यों दिखा रहा है, क्या ये मर चुका है क्या? ओ माय गॉड, इसका पूरा हाथ यहाँ पर डैमेज हो चुका है भाई साहब। और ये हम ऑब्वियसली देखेंगे कि नेक्स्ट वाले सीजन के अंदर, मेरे को एक्चुअली देखने की क्या होता है अपने टाइटन वाले बंदे के साथ। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।